है, जो है पोस्टर लॉन्च हो चुका है, ग्रैंड अनाउंसमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गाने के बारे में अगर आप तीनों में से कोई बताना चाहे कि किस तरह का गाना होने वाला है ये ऑडियंस के लिए। यस, बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, आप लोग सब आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है एक रोमांटिक सैड सॉन्ग है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जब इस गाने को मैं बना रहा था, लिख रहा था। सो वो दिमाग में ये आया कुछ एक थॉट आई रात के, आई थिंक 2:30 बजे, एंड आई थिंक इस गाने से वो चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या मेरे एज के 25 साल वाले लोग हों, 30-35 हर एज को वो गाना कनेक्ट करेगा। और इस गाने को बनाते वक्त ध्यान ये रखा गया कि जो मेलोडी हमें 90s 80s के समय जो हमारे गाने आते थे और हमारे जहन में आज तक है, इस गाने को हमने कोशिश की है कि उसी तरह की मेलोडी रखी जाए इसमें, चाहे वो आवाज़ से हो, चाहे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मेलोडी हो। इस गाने में हमने सिर्फ और सिर्फ सोल डाला है, कोई भी दिखावा नहीं है इस गाने में। सो दिस सॉन्ग इज़ प्योरली फ्रॉम माय हार्ट। स्वप्ना जी, नए अंदाज में दिखाई दे रही आप रोमांस करते हुए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब अभी तो अनाउंसमेंट है, लेकिन क्या क्या प्रिपरेशन की है आपने प्रिपरेशन? तो अभी तक फ़िलहाल जैसा है कि हम पहाड़ों में इसको शूट करने वाले हैं, क्योंकि रोमांटिक है, सैड है, सब कुछ है, वन साइडेड लव है। तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या, जैसे यश ने ये गाना सुनाया और वो जो बोल रहे हैं कि 90s और 80s के जो मेलोडियस सॉन्ग है, वो मैं भी उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ वैसे गाना, तो मुझे बहुत पसंद आया। और हम लोगों ने सोचा कि थीम उसका डिफरेंट हो और ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इसको शूट ना करके कुछ पहाड़ों में, वादियों में अगर हम करेंगे तो हम फील करेंगे वही माधुरी दीक्षित और साजन वाले फील में हम चले जाएंगे। तो हमने ऐसे ही सोचा कुछ। राजेश सर, आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने देखा है अंतर्ध्वनि की बात करें या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स आए आपके, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियोज, सारे जो है लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए, तो ऐसी कुछ चीज है जिसको देख के आप चूज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है? थैंक यू कि लोग हमारा काम पसंद करते हैं, मगर ये इस प्रोजेक्ट में यश बहुत अच्छा सिंगर है, उसको मैं उसे 10 साल से जानता हूँ, आज नहीं, बट आज वो ग्रूम हो चुका है मार्केट में आने के लिए, बॉलीवुड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम उसको सिर्फ ये गाने नहीं और भी सीरीज़ में ये ले रहे हैं, बट इस गाने के टॉपिक में मैं आऊँगा। इस गाने में वो मेलोडियस सिंग है जो हम खो चुके हैं, वो 90s की बातें इसमें हैं, जहाँ पे फिर वो जो वापस आ रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है, लोग थक चुके हैं कि वो ऐसे गाने सुन के, वो मेलोडियस गाने, ये शायद ये एक ब्रेक होगा, ये होगा हम बनाएंगे जब ये गाना है, इसलिए हम इसको बहुत प्यार से बनाना चाहते हैं, पहाड़ियों में अलग अलग नेचर को लेके, पहले जैसे 90s में बनता था, वो 90s की चीज़ों को वापस हम ला रहे हैं, और होप है कि ये ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और किसका आइडिया था कि यश को फीचर भी करना चाहिए? गाना तो अच्छा गाते हैं लेकिन फीचर करना चाहिए किसका? जब ये गाना आया तो ऐसा कुछ नहीं था, बट जब हमारा टीम ने सुना, ये किया, तो ये आया कि व्हाई नॉट, जिसने गाया है उसको खुद ये होना चाहिए, क्योंकि उसके इमोशंस ये है। तो सबने, टीम ने, हमने यश को बोला कि तुम ही करो। तो पहले तो यश बोल रहा था नहीं नहीं, मैं कैसे, मैं जो सिंगर हूँ, मैं बोला आजकल कुछ नहीं होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं सिंगर और एक्टर, एंड यंग हो, सब कुछ हो, व्हाई नॉट यू ट्राई योरसेल्फ। तो ऐसे ही बनते बनते बना, अभी ऑडियंस के ऊपर है, जब बन के आएगा तो ऑडियंस, मगर इस प्रोजेक्ट में हम जी जान लगाने वाले हैं, कोविड का बाद भी हम इस पे काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और आप लोगों को आए कोविड, हम इसलिए बहुत छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, मगर आपने आए और आप ये चीज़ें आज लोगों का पास पहुंचा रहे हैं, शायद हम जब इसको पूरा करके आएंगे और बड़ी तरह से कोविड चला गया होगा होपफुली, और हम बड़े कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च कर पाए। यश, आपसे जानना चाहूँगा, कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए, सिंगिंग या एक्टिंग? डेफिनेटली एक्टिंग, क्योंकि मेरे बगल में जो बैठे वो इतनी मंझी हुई कलाकार हैं कि इनको फेस करना, पहले तो मुझे लग रहा था कि यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, कैसे मैं फेस करूँगा, क्या करूँगा, बट मैं बताऊँगा कि वो 5 मिनट ही मुझे डिफ़िकल्टी फील हो रही है, चाहे वो फ़ोटो शूट हो या कुछ, इन्होंने इतना जल्दी मुझे कंफर्टेबल कर दिया, लाइक कि मैं इनको कितने साल से एकदम दोस्ती यारी, उस तरह से इन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया। तो अब मुझे लगने लगा है कि हाँ, मतलब
सबने सही बोला कि तुम भी एक्टिंग करो, इट्स गुड. तो इट्स अ गुड थिंग. मुझे मज़ा भी बहुत आया एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि म्यूज़िक तो मैं करता हूँ, कंपोज मैंने किया है, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया. अपना जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यश के साथ, क्योंकि जैसे उसने कहा कि पहली बार परफॉर्म कर रहे थे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, पहली बार तो सिंगर जैसे गाना वाना तो सही है, जब कैमरे में हम लोगों ने पोस्टर शूट किया तो एकदम से नर्वस, हाथ कैसे रखो, पैर कैसे रखो, बैठो कहाँ से, पूरा एकदम से. मैंने कहा चिल चिल, आराम से हाथ पकड़ो, आराम से बैठो, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी. तो मैंने उसको कंफर्ट कराया तो सही है. और मेरे लिए ये एक्चुअली में काफ़ी नया एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं पहले जो म्यूज़िक वीडियो कर चुकी हूँ प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, तो ये एक सिंगर कम एक्टर के साथ मैं करूँगी, तो ये भी मेरे लिए मज़ेदार है. और हम एक्टर्स हैं, किसी भी रंग में ढल जाएंगे तो चलेगा. आई होप ऑडियंस को हमारी केमिस्ट्री पसंद आएगी और हम दोबारा कुछ किसी और प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करेंगे. यश, आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों हमने देखा कि बहुत सारे रिक्रिएशन का बिल्कुल दौर चल रहा है, उसमें एक ओरिजिनल गाना लेकर आना, क्या कहना चाहेंगे, क्या लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, रिक्रिएशन लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने. ये रिक्रिएशन क्या हो रहा है आजकल, बेसिकली 80s 90s के गाने ही वापस लोग रिक्रिएट कर रहे हैं. हमने अभी तीनों आदमी ने हमने एक बात कॉमन रखी, 80s 90s का मैजिक. इस गाने में नयापन है, बट जो मैजिक है ना, मैंने जब इसको वही बनाया तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, रिक्रिएशन हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग. चलो, जो लोग जिस जनरेशन ने नहीं सुना है उनके लिए अच्छी बात है कि उस गानों को फिर से सुन पा रहे हैं इस बहाने. बट उसी में अगर वही टेस्ट, वही फ्लेवर हम नए गाने में लाएं, कम्प्लीटली न्यू सॉन्ग उसी टेस्ट का, तो हो सकता है कुछ बात बदल जाए, हो सकता है सब फिर एक ट्रेंड बन जाए कि नहीं यार वैसे ही गाने बनाने हैं लेकिन ओरिजिनल बनाने हैं. तो ये मेरा परसेप्शन था, एंड हम काम दिल से कर रहे हैं, तो आई होप कि सब अच्छा ही होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं. म्यूज़िक तो म्यूज़िक, इसमें कोई जंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, दिल से की जाती है. तो वो 1 मिलियन हो, 100 मिलियन हो या 50,000 हो, गाना लोग को पसंद आ जाए, हमने दिल से की, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. राजेश सर से भी सेम सवाल होगा मेरा. सर, जैसे मैंने यश से पूछा कि इन दिनों रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, तो आपने कब सोचा, कैसे सोचा कि इस गाने में मतलब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? वही यश ने जो बोला कि हम 90s का रिक्रिएशन कर रहे हैं, तो वही ये गाने में इतना मेलोडियस है, ये है, तो वो ओरिजिनली वही 90s के गाने हैं जो लोग आज कर रहे हैं, वो वही हमने किया. मगर इसको एक अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारा है, उसमें अच्छा चीज़ें डालने, और हम ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट लाते हैं, ऑलवेज कमिटेड टू ऑडियंस की हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट लाएंगे, कुछ हट के लाएंगे. और सर, कब तक इसका शूटिंग खत्म होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले, अगर उस बारे में कुछ बताएं? ये अभी शूटिंग का बाद बहुत सारा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन है, अब ऑलरेडी हम बातचीत हो चुका है बहुत सारा प्लेटफॉर्म के लिए, मगर अभी तय नहीं है. मगर ये मैं आपको भरोसा दूंगा कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म में एक साथ आएगा जो आप लोग देख सकते हैं. आजकल ऐसा ही डिजिटल जमाना है, तो ये शायद हम सितंबर तक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. और पोस्टर में जैसे हमें दिख रहा है कि बहुत सारे अलग लोकेशन देखने मिलेंगे, पहाड़ी है जैसे मेंशन भी किया था यश ने, क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ पे शूट होने वाला है इसका? ये हम लोग शिमला और चंडीगढ़, ये सब जैसे पहाड़ी एरिया में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं. मैं, हमारा टीम अभी भी लगा हुआ है. अब जब तक शूट नहीं होता तो क्रिएटिव टीम लगे रहते हैं और चेंजेस होता रहता है, क्रिएटिव के कोई एंड नहीं होता तब. बट हम बहुत जल्द आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा एल्बम देने के कमिटमेंट करते हैं. स्वप्ना जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताया हमारे. जैसे कि मैं भी एक वेब फिल्म कर रही हूँ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए है, और काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो कि फेस्टिवल्स में जाने वाले हैं. और उसके अलावा मैं एक कमर्शियल फिल्म कर रही हूँ जो गुनगुनाती राहों में, जिसकी शूटिंग के लिए मैं कल से एक महीने के लिए उत्तराखंड में रहूँगी. और फिर 15th of August के बाद देन आई हैव अनदर शूट ए वेब सीरीज, सो मैं उसके लिए गोवा में रहूँगी. तो अभी बैक टू बैक बहुत सारे काम हैं, एंड मैं सोच चाहती हूँ कि थर्ड लॉकडाउन ना आए, कोविड ना आए, और हम लोग काम करते रहे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहे. लास्टली यश, अगर आपकी आवाज में कोई गाना हो जाए, मतलब ये गाना तो नहीं सुनाएंगे,
आपकी आवाज में कोई अच्छा वाला गाना हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, तो क्योंकि हमारी मेरे लिए लॉन्च है और आपसे पहली बार मुखातिब हुआ हूँ मैं, तो ये हमारी प्रेस और मेरी दोस्ती के नाम, जो सपना जी ने को भी मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, राजेश सब, क्योंकि दोस्ती के नाम एक गाना, तो ये दोस्ती में गाऊंगा क्योंकि हमारी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार सुन मेरे यार, तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे। कौन सिंग? ट्री। जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you so much. Thank you. All the best for your song. Thank you so much. Thank you so much.